आज हम विश्व भर में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलास्का और रसिया में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति जिसका नाम है एल्यूट्स। अभी हम ऐप में देख पा रहे हैं एल्यूट्स। एल्यूट्स अलास्का और रसिया में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। इसके अलावे हम अगर नॉर्थ अमेरिका तरफ आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रेड इंडियन नामक एक प्रमुख जनजाति पाई जाती है। ये नॉर्थ अमेरिका में पूरी तरह से फैली हुई जनजाति है। यहाँ पर आप ये मैप में देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा ये रहा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति का नाम है एस्किमोस। एस्किमोस आप यहाँ देख पा रहे हैं। एस्किमोस ग्रीनलैंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति का एक नाम है। हम पूर्वी दिशा की ओर आते हैं और यहाँ देखते हैं नॉर्थ। यहाँ पूर्वी दिशा की ओर कोरियाक्स। ये कोरियाक्स जनजाति नॉर्थ ईस्ट एशिया में पूरी तरह से फैली हुई है। नॉर्थ ईस्ट एशिया में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में आपका रसिया और मंगोलिया, चाइना, ये पूरे कंट्री कवर होते हैं। नेक्स्ट, मंगोलिया और रसिया इन दोनों में बुरियाक नामक एक जनजाति पाई जाती है। बुरियाक नामक जनजाति पाई जाती है। अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ हम मंगोलिया और चाइना। मंगोलिया और चाइना में एक प्रमुख रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति गोबी मंगोल्स है। तो गोबी मंगोल्स गोबी रेगिस्तान में पाई जाती है। ये रहा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये मैप में आप देख पा रहे हैं। कजाकिस्तान कजाकिस्तान में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति का नाम है कजाक्स। ये याद करना बहुत आसान होगा, कजाकिस्तान से कजाक्स। और उसी प्रकार अगर ये कजाकिस्तान के ठीक नीचे ये रहा आपका किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जिसकी राजधानी है बिश्केक। बिश्केक यहाँ जो जनजाति पाई जाती है इसका नाम है किर्गिज। किर्गिस्तान से किर्गिज, आप ये देख पा रहे हैं मैप में किर्गिज। किर्गिस्तान से किर्गिज। उसी तरह अगर हम अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका उपमहाद्वीप में बारपेट्स। बारपेट्स नाम की एक जनजाति है जो आपकी अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया ये तीन कंट्रियों में पाई जाती है। बिरबिस नाम की एक जनजाति, ये बिरबिस नाम की जनजाति अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में पाई जाती है। बिरबिस बिरबिस। उसी प्रकार अगर थोड़ा हम इधर आते हैं, हॉटेंटो नामक एक जनजाति है जो कि हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाई जाती है। हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका ये आपका जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास हुआ है इस जगह को बोलते हैं हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका, क्योंकि यहाँ का तापमान पूरे वर्ष अधिकतम रहता है। ये हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका है और यहाँ जो जनजाति पाई जाती है इसका नाम है हॉटेंटो जनजाति। अगर हम साउथ अमेरिका की तरफ आते हैं तो ये नाइल रिवर के बेसिन में, ये नाइल रिवर सॉरी अमेजॉन रिवर के बेसिन में, ये रहा अमेजॉन रिवर का आपका बेसिन। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है अमेजोनियन इंडियन ट्राइब। अमेजोनियन इंडियन ट्राइब ये आप देख पा रहे हैं बेसिन। यह रहा आपका अमेजॉन और इस जगह है अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन यह रहा आपका अमेजॉन बेसिन जी। यह रहा आपका अमेजॉन बेसिन और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है इसका नाम है अमेजोनियन इंडियन ट्राइब। इधर मलेशिया की ओर अगर हम आते हैं, ये मलेशिया देखिए आप, मैंने टिक करके रखा हुआ है।
यह है मलेशिया, और मलेशिया एक द्वीप समूह है, पूरे द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ एक देश है। और इसमें दो दो प्रकार की जनजाति पाई जाती है, पहली जनजाति ओरांग असली और दूसरी जनजाति सीमांग। ओरांग असली और सीमांग आपका मलेशिया में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। यहाँ आप देख सकते हैं फिलीपींस, ये रहा फिलीपींस, और फिलीपींस में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति का नाम है एटा। फिलीपींस में जब पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति का नाम है एटा। अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ आते हैं, अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ आते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है माओरीज। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली प्रसिद्ध जनजाति है माओरीज। तो यहाँ हमारा सम प्रमुख जनजातियों के बारे में कवर कर चुके हैं। थैंक यू।